तो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो फिर से एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त लालो हर तरह से। तो ये नया व्लॉग है। तो पिछले व्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था कि भैया अपना होम टूर करो। तो मैंने देखा एक ही रिसेंटली एक ही कमेंट था और उस पर भी एक लाइक आया था, तो वो लाइक भी मैंने ही किया था। सो दैट्स द रीज़न मैं ये नया व्लॉग बनाने वाला हूँ। एक्चुअली ये होम टूर रहेगा, तो इसमें मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ, क्या रहता हूँ। तो रिसेंटली मैंने मेरे फर्स्ट व्लॉग में जो मेरा इंट्रोडक्शन था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एक्चुअली पुणे में रहता हूँ, उरेली कांचन में। तो उरेली कांचन में मैं रहता हूँ, ऐसा मैंने बताया था। मेरा इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था मैंने फर्स्ट व्लॉग में। तो फिर भी मैंने होम टूर रह गया था। रिसेंटली मैंने कुछ पिछले व्लॉग्स में जब मैं अपने घर में वीडियोस बनाता था, तो किसी को पूरा मेरा घर नहीं दिखता था, कैसे क्या रहता हो, कहाँ रहता हो, किसके साथ रहता हो। तो मैं रहता हूँ उरेली कांचन में। बेसिकली मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, और हमारा 1 BHK फ्लैट है। तो 1 BHK फ्लैट में मैं मम्मी मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। तो ऐसा है कि मैं अभी होम दिखाने वाला था, तो रिसेंटली मॉम डैड बाहर गए, तो मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का। क्योंकि घर में एक तो बहुत हंगामा रहता है, कभी बर्तनों की आवाज़, कभी टीवी चालू रहता है, और पापा इधर उधर घूमते हैं, मम्मी का कुछ काम रहता है, कभी सिलाई मशीन मम्मी पे बैठती है तो सिलाई मशीन का भाई सर दुख जाता है, वो खट 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 आवाज़ आती है पूरी। तो अभी रिसेंटली मैं अकेला हूँ घर पे, तो सोचा व्लॉग बना दिया जाए। तो मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। ओके आई विल शो यू, वेट। सो गाइज, ये है हमारा हॉल। कुछ ऐसा है, छोटा सा हॉल है। तो ये है एंट्रेंस जहाँ से हम घर पे आते हैं, जाते हैं, जो भी है। एंट्रेंस है, ये हमारा एक सोफ़ा। सोफे पे अराउंड इसको 3-4 साल हो गए होंगे। तो इस पे अराउंड 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो इतना सोफ़ा लिया है। और वहाँ है कूलर बाहर में, भाई इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अभी तो गर्मियाँ चालू है ना भाई, 40-45 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहता है भाई साहब, इसलिए कूलर हमने ले लिया था। कूलर भाई पुराना है, बहुत पुराना है। अच्छा, अराउंड 6-7 साल हो गए होंगे। ठीक है, तो इस साइड आते हैं। ये है गणपति। पिछले व्लॉग में हम यही गए थे, दगड़ूशेट गए थे। दगड़ूशेट का गणपति आया हमारे पास, तो इसका फ्रेम है। साइड में है मेरा और दीदी का फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अराउंड बजे है 10। ठीक है, एक खास बात बता दूँ मैं इस क्लॉक की। तो ये क्लॉक है ना, आपको बता दूँ, ये 15 मिनट आगे चलता है। ठीक है, अभी अभी बजे होंगे 10:07 या 8 मिनट बजे होंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 24-25 मिनट दिखा रहा है। तो ये एक बेनिफिट क्या होता है पता है क्लॉक का, क्योंकि अगर किसी को जल्दी निकलना हो, तो अगर समझो मुझे सुबह 8 बजे निकलना है और इस घड़ी में बजे है सुबह के 8, तो मैं 8 बजे, बट मैं निकल रहा हूँ 7:45 45 मिनट पे। तो ये बेनिफिट रहता है, 15 मिनट का हमको ड्यूरेशन मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो क्लॉक 15 मिनट आ गए हैं। नीचे आते हैं, ये है हमारा टीवी। टीवी बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है और स्टिल बहुत सही चल रहा है, इट इज़ गुड वर्किंग। सो हम नया टीवी लेने वाले थे, बट अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही हो ना, तो उसको चेंज करना वर्थ इट नहीं होता। तो ये है टीवी, उसके नीचे आते हैं। ये कॉर्नर, कॉर्नर भी हमको जब नया टीवी आएगा ना हमारा यहाँ पे, तो ये कॉर्नर हम बेच देंगे। कॉर्नर ये है, उसके साइड में है शो का प्लांट। ये इसको सिर्फ पानी देना रहता है, कुछ नहीं, सिर्फ इसको पानी दे दो, कितनी 1-2 हफ्ते में पानी भर दो इसमें, कुछ नहीं। इसको ना सनलाइट चाहिए, ना कुछ चाहिए, इस ना ग्रो होता है ना कुछ, सिर्फ ग्रीन रहता है। तो अभी इसके साइड चावल है, ये गेहूँ, आई थिंक मुझे लगता है गेहूँ ही रहेंगे, नहीं नहीं चावल है, पता नहीं यार, जो भी रहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अभी स्टिल हॉल में ही है हमारी दूसरी पहली बालकनी। बालकनी जैसे ओपन करते हैं भाई साहब, ऑसम व्यू, एकदम सही से, एकदम हरियाली बाहर से, एकदम बिल्डिंग्स थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है हरियाली का। वहाँ पे कुछ फसल लगाई हुई है, ठीक
ठीक है, मैं एकदम करीब से दिखा दूँ। वाह, धूप भी पड़ रही है। सो हियर इज़ द बालकनी। बालकनी थोड़ी छोटी है। यहाँ पे मशीन है, स्टील कूलर हमने बताया, और सिलेंडर है, और एक हमारे पास ये है। तो मशीन दो दो है, मतलब चेंज कर लेते हैं इसमें। अरे सीरियस, एक मज़े की बात बताओ, बहुत सही है। वो देख रहे हैं आप, ये पेड़ के ऊपर कौन सी चिड़िया है? बुलबुले। एंड स्टिल वो यहाँ पे क्यों रुकी है पता है? ये जो मनी प्लांट का पेड़ है ना, जो हमने लगाया है, वहाँ पे इसका घोंसला है, ठीक है। तो हमने एक पंछी भी पाला हुआ है यहाँ पे, उसके बच्चे हैं दो, मैंने देखा, उन्होंने दो बच्चे हैं, ऐसा ऊपर गर्दन करके ऐसा मुंह खोल देते हैं भाई, बहुत सही, अच्छा है। वो बुलबुल वहाँ पे बैठी है, तो उसके वो बच्चे, ठीक है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको आने देते हैं, हमें दरवाज़ा लगा लेंगे, आपको आगे का दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा किचन, द मास्टर किचन ऐसा ही बोल सकते हैं। तो सामने सामने से ही आते हैं, फ्रिज के दर्शन हो जाते हैं हमें, साइड में है बर्तन लगाने का सब कुछ, इधर है ये किचन, गैस है, ऊपर हमारा फिल्टर है, वाटर फिल्टर, सो छोटा सा है, और अटैच हमें है बालकनी, दूसरी बालकनी है किचन को, दो दो, किसी किसी घर में दो दो बालकनी नहीं होती, एक ही होती है, बट हमारे यहाँ पे दो दो है, 1 BHK को दो दो बालकनी है, तो ये दो बालकनी है। ऐसा कुछ व्यू है किचन का, ये बेसिंग, ओके। तो नीचे कुछ खाने का सामान है, मसाले विसाले, और यहाँ भी कुछ खाने का सामान है। फ्रिज में देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्रिज जैसे ओपन करें और कुछ नहीं है, अंडे हैं और नींबू है, टमाटर है, ऊपर भी कुछ नहीं है आई थिंक। सो अभी कुछ बाज़ार किया नहीं है, जिस दिन करेंगे उस दिन भाई सब फुल हो जाता है एकदम फ्रिज। सो नेक्स्ट हम आते हैं बालकनी दूसरी वाली। सो इस बालकनी में आते हैं, स्टिल हमें व्यू मिलता है बिल्डिंग्स का, रोड साइड का पूरा व्यू मिलता है, बट यहाँ पे सब कुछ यार, वो पहली वाली बालकनी है ना हमारी हॉल से अटैच है, वो एकदम सही है, वहाँ से पूरा नेचर एकदम फ्रंट ऑफ, जैसे ही सूर्योदय होता है ना, वहाँ से एकदम प्रकाश आता है, वो वाली सही। ये भी ठीक है क्योंकि एयर आती है, सही है। यहाँ पे कुछ, ये छोटी वाली बालकनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बर्तन वर्तन या वॉशिंग मशीन हम लाएंगे अगले कुछ सालों में, तो हम यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हुए हैं मम्मी ने, ऐसा कुछ भी हुआ। सो इतनी कुछ खास नहीं है बट है, ठीक है। तो ये किचन रहा था, और नेक्स्ट हमारा है सामने की, सीधा सीधा है, ये है हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, माय रूम, ठीक है। ये मेरा रूम है, मम्मी पापा पहले दीदी का था, अभी ये मेरा हो चुका है। सो हियर इज द बेडरूम। सो सीधे सीधे आते हैं, हमारे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ओके। सो हमारे दर्शन, और यहाँ है हमारी देवी का फोटो, ये सीधा ही है फ्रंट ऑफ द, सेम एज इज द ईस्ट, ये हमारी खिड़की है, कुछ लगाया यहाँ पे। हम देवारे के नीचे आते हैं, तो यहाँ पे है हमारा स्टडी का मटेरियल, स्टडी टेबल भी बोल सकते हैं, छोटा सा कुर्सी लगाई हुई है, और अभी लैपटॉप नहीं, लैपटॉप बंद है, ठीक है। नीचे कुछ बुक्स है, एक्चुअली पूरा भर गया था, ठीक है। यहाँ पे जो बुक्स थी ना, वो बीच का सेक्शन पूरा भर गया था, रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना मेरे 1 तारीख को, पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया, तो उसमें मैंने बाकी के बुक्स भेज दिए, या और जो लाइब्रेरी के हैं वो लाइब्रेरी में दे दिए। तो ऐसे आते हैं, ये एक सोफ़ा लिया था, इस सोफ़े की खास बात बता दूँ, जो हमने हॉल में देखा था ना सोफ़ा, ठीक है, जो हमने हॉल में सोफ़ा देखा था, उस सोफे को लाने से पहले हमारे पास ये था, ठीक है, ये हमने ख़रीदा हुआ था, बट ये कुछ हुआ बैठा नहीं, तो ऐसे दो थे, एक हमने बेच दिया, आई थिंक वो फर्नीचर वाले को ही दे दिया, और दूसरा हमने रख लिया क्योंकि पता नहीं कब लग जाए, तो मैंने रख लिया था, मैंने बोला मेरे को एक नहीं बेचना। तो फिर ये हमारा है कबर्ड, वो जो उसमें क्या आता है, कबर्ड में क्या रखते हैं भाई, कबड़े ही रखते हैं, तो कबड़ के साइड में ये, एक्चुअली मैंने अभी अभी एक वीडियो शूट किया था,
उसके लिए मैंने ट्राईपॉड खोला था, इसको बंद कर देंगे। इट इज़ द बेड, अब पुराने तरीका है, सब पुराना ही दिखेगा आपको मेरे घर में। पुराना बेड है, पलंग बोल सकते इसको, पलंग। ठीक है, ये वॉच है, ये वॉच एक्चुअली वहाँ पे थी तो वहाँ पे गिर गई वो नीचे से, थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ लगा दी। तो ये कुछ एसेसरीज है, ऊपर कुछ स्पेस मिलता है आपको कुछ रखने के लिए, ऐसा ही कुछ था। और लास्ट में आते हैं हम यहाँ पे, जो है हमारा टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, तो हियर इज द बाथरूम एरिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, ठीक है, बाथरूम अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, इसको लगते हैं। और ये है हमारा टॉयलेट। ओके, ये एक्चुअली इंडियन टॉयलेट है, लाल के लिए सही है, इंडियन टॉयलेट ही सही रहता है। तो आज बहुत सही था होम टूर हमारा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था ये। और ये साइड में है हमारी, और मेरे सिस्टर ने या मम्मी ने बनाया था, मम्मी को भी आता है। तो बहुत सही था एकदम, और बेसिन का एरिया है। आज का होम टूर बहुत एकदम बहुत सही था। तो हियर इज़ द माई होम, बहुत अच्छा था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, बाय।